शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के जन आधार नंबर कैसे वेरीफाई करें, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपका ये स्टाफ विंडो कॉर्नर खुल गया है। आपको सबसे लास्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है ऑथेंटिक स्टूडेंट जन आधार एंड आधार इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है ऑथेंटिक स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर अगला पेज खुल जाएगा आपको ऑल क्लासेस सेक्शन एज पर टीचर क्लास इंचार्ज पे, और आप गेट क्लास वाइज डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा, ये पेज खुल जाएगा, और आपको जो ये क्लास 8A लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लास 8A पर क्लिक करना है, जो 8A ब्लू कलर में लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद में ये पूरी डिटेल खुल जाती है, और आपको फिर किसी भी बच्चे का आपको आधार ऑथेंटिक करना है तो जिस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उस बच्चे की आधार ऑथेंटिक की सूचना आ जाएगी, उसमें आपको लिखना है। मैं आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे ही आपकी ये जो ये ग्रीन कलर की हो गई है, उस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन हो रखा है, अगली प्रक्रिया में ये शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको आधार नंबर और जन आधार नंबर लिखने हैं, और जन आधार में आपको परिवार व्यक्तिगत क्रमांक अलग लिखना है, मेंबर आईडी में आपको व्यक्तिगत क्रमांक लिखना है, और जन आधार में आपको परिवार के जो 10 नंबर की जो व्यक्तिगत पहचान क्रमांक तो मेंबर आईडी में लिखनी है, और जन आधार नंबर में आपको परिवार क्रमांक लिखना है। और जैसे ही आप ऑथेंटिक ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका जन आधार में और शाला दर्पण के प्रपत्र नंबर 9 में सेम डिटेल होने पर ही ये सेव हो पाएगा, नहीं तो आपका मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि ये मैच नहीं कर रहा है। उसका जो मैसेज आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि शाला दर्पण पर और जन आधार में और आधार नंबर में तीनों में ही नाम, जेंडर और जन्मतिथि विवरण सही होगा तब ही ये वेरीफाई हो पाएगा, अन्यथा ये नहीं हो पाएगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे ऑथेंटिक वाला बटन ऑटोमेटिक हट जाएगा और वहाँ पर आपको ग्रीन दिखाएगा। तो साथियों, ये थी आधार जन आधार वेरिफिकेशन शाला दर्पण पर और प्रपत्र नंबर 9 के माध्यम से। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।